भाई जान नस्ल की गल जी ना अजकल सारिया क्रास ने नीली आते ने जी फलानी नीली दी है रावी दी है उन्दियाँ ज़्यादा क्रास ने डंगर का या सोहन हों तो कोई चड्डा छड्डा या पुट्ठा हों डंगर का डंगर होए सिंग कुंडे हो ठीक है अखा की चिट्टी होए उत्तों हड्डी एक होए तो सारे चंगी गल है हड्डी एक का मसला यह हों कि डंगर लीसा बड़ा घट हों पंजा डंगर वास्ते एक किला जोड़ा पठिया का ना होना चाहिए उन्हें तो सत्त भी मैनेज करते हैं कई सत्तां डंगर वास्ते एक किला लेकिन पंजा वास्ते एक होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अज असी हाज़र होए हैं काफ़ी दिनों तो बाद एक नई वीडियो दे नाल। ते इस वक्त असी मौजूद हाँ एक डेयरी फार्म से ते जानवर के मुतलक वीडियो वे अपर चिनार नहर के बिल्कुल नाल खंबरांवाला नहर के नाल पिंड भागाकोट उत्थे असी एक डेयरी फार्म से मौजूद हाँ। तो डेयरी फार्म से असी भाई इन्हां कोल सवाल करांगे कि उन्हें कारोबार किवें स्टार्ट किया, जानवरों की की पहचान है, और अगर मंडी तो यह जानवर खरीदन जाने दुध वाले जानवर की की पहचान है, अगर कोई कट्टा फार्मिंग करना चाहता है वो वास्ते उन्हां कोल असी गुड़ दीयां गल्लां सिखांगे, साइलेज उत्ते जानवर नूं पालना या तूड़ी और दूसरी खुराक उत्ते जानवर नूं पालना या कैसा कारोबार है। लेकिन उस तो पहला तुहाडे सारयां अगे गुजारिश है अगर साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर साडे चैनल नूं सबसक्राइब भी करो और साडी वीडियो नूं लाइक भी करो और साडी वीडियोज़ नूं अगे शेयर भी करो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी हाफिज तलत। अच्छा डेयरी फार्म से इस वक्त कितने जानवर मौजूद ने? जानवर तुहाडे सामने ने तकरीबन तुसीं वीडियो बनाई है जानवर जिहड़े मोटे ने ना वह को तकरीबन है ने कोई 40। ठीक है 40 जानवर ने टोटल मिला के किन्ने बन जाते हैं? वो होंगे 60। जदीद डेयरी फार्म का तुहानूं ख्याल किवें आया? जदीद असल अही ना सारे भाई पढ़े भी हैं लेकिन एवं कि अभी गुंजाइश के हिसाब न आस्ता आस्ता पैसा लाने पे तो उस हिसाब न जोड़ा ना थोड़ा निज़ाम जदीद करने अगे अहें सैलज भी नहीं अगे जिनी देर हो गई है सानू सैलज सुलज भी नहीं बनाया ऐतक इन शाला अहम सैलज जोड़ा ना वो तकरीबन कोई 10-15 किलो का ना सैलज भी जोड़ा वह भी स्टोर करना। अच्छा सैलज इन्होंने वास्ते ठीक रहेगा या दूसरा चारा ठीक? तूड़ी भी बेहतरीन है तूड़ी भी अही स्टोर करते हैं अगे आप पराली भी करते हैं पराली सुकी होए तो बेहतरीन है कोई मसला नहीं सुक्का जिन्ना ज़्यादा होए ना जानवर वास्ते उन्ना ही चंगा। सैलज उहदे ते खर्चा ज़्यादा नहीं आई जांदा? सैलज ते खर्चा ज़्यादा आउंदा है लेकिन ये क्या है जिहड़ा कट वच है ना इहनू वंडा पाउण दी लोड़ कोई नहीं ये बड़ा बेहतरीन तैयार होंदा है। हाँ अज तू साल पहला जिहड़े ना कट्टे तकरीबन कोई 20-25 तैयार किए हैं उस तो अहां हिसाब लाया ही कि सैलज जिहड़ा बनया होया ना उहदे च खर्चा भी घट है तो जानवर तैयार भी सही होंगे। अच्छा 40 जानवर तू कि दुध तुम लै रहे हो? 40 जानवर तू साढ़े को दुध तकरीबन जोड़ा ना हूँ थोड़े जे पट्ठे मठे ने यदि वजह तू 3 मन सवेरे होंगे तो इस टाइम को 2-2.5 मन इन्ना को दुध डेयरी फार्म के उ वेच छो या शहर लैके जाते हो? नहीं अही घर देने पिंड विक जाता? नहीं नहीं असी देने शहर ही मुख्तलिफ जगह तो घर टोटल सप्लाई घर की यानी खुद तुम कारोबार दुध का खुद ही कर रहे? खुद करने कोई बंदा होर नहीं मसलन किसी होर नहीं देना असी आप ही लैके जाने कई बार दुध ही साढ़े को गर्मियों का जो सीजन होंगे ना तो उदू दुध ही आ जाते हैं दुध किधरों नहीं लभदा गाइया का या कई डेयरिया फार्मा तो लभ जाता ना तो मझां का कोई नहीं होंगे गाइया का निरा लेंदा नहीं तो वह फिर मझां का साढ़े को 10 किलो को लाई जाता कोई 15 नगद पैसे दे के लाई जाते। ठीक है। अच्छा जो तुसा कारोबार शुरू किया किन्ने जानवर तो तुसा शुरू किया? कारोबार अही तकरीबन बचपन तो ही थोड़े बहुते डंगर रखते आए हैं लेकिन जदों साडा सही रुझान बनया ही मसलन कि अह कम करना है फिर साढ़े को तकरीबन उदू 3-4 डंगर। ठीक है। अच्छा सानू ये दसो कि अगर कोई नवा बंदा है कारोबार शुरू करना चाहता है किन्ने जानवर तो शुरू करे तो को उस टाइम किन्नी इनकम होनी चाहिए है कि जिद नाल कारोबार स्टार्ट कर सकता है या जमीन किन्नी होनी चाहिए है अगर किसी की अपनी जमीन नहीं तो वो की तरीकाकार है कि वह बंदा अगर जानवर रखना चाहता है इनू बतौरे बिजनेस चलाना चाहता है तो वो वास्ते की तरीकाकार है? वो वास्ते सारनों पहली गल जमीन चलो फसल वे वास्ते पट्ठे वास्ते ठेके से भी लीले चल जाएगा लेकिन डेरे वाली जगह जी है ना वो अपनी होनी जरूरी है क्योंकि तुम तमीर करते हो बनाते हो सब कुछ करते हो तो बाद चुकन का या इस तरह कोई मुआहदा नहीं होंगे
उन्हें बेहतर जे डेरे की जगह होनी चाहिए अपनी। तो जे अपनी पैली कोई बंदे दी होए भी 25 किलो तो फिर कोई मुश्किल नहीं, एक पंजां डंगरां वास्ते एक किला जिहड़ा पठियां दा होना चाहिए। उन्हें तो सत्त भी मैनेज करते हैं कई, सत्तां डंगरां वास्ते एक किला, लेकिन पंजां वास्ते एक होना चाहिए। अच्छा सानू ये दसो तुहाडे कोल ज़्यादा तो ज़्यादा जानवर जिहड़ा दुध दे रहा कि दुध दे रहे? साढ़े को माशाला जानवर जिहड़ा ना 20-22 किलो दुध वाला भी है। 20-22 किलो दुध वाली? ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ? ਨਸਲ ਉਹ ਕਰਾਸੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੀਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਂਝ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸੂਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਧ ਥੱਲੇ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ 130-140 ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ 30-40 ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਆਇਆ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੈਸਟ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਨਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਸ ਨੇ। ਨੀਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਸ ਨੇ। ਡੰਗਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਹਣ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਡਾ ਛੱਡਾ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਡੰਗਰ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੰਗਰ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੇ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਏ, ਉੱਤੋਂ ਹੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੱਡੀ ਇੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੰਗਰ ਲੀਸਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਝ ਦਾ ਅੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵਾਨਾ ਮਾਝ ਦਾ ਸਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਸਲ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਗਾਈ ਮੱਝ ਦੋਵਾਂ ਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੰਗਰ ਕਦੀ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁੱਧ ਘਟਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ 5-6 ਤਾਜ਼ੀਆਂ, ਪਹਿਲਣਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਜ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਖਾਂਗੜਾਂ। ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਟਾ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਫਿੱਟ ਤੁਰ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਡੰਗਰ ਨਿਕਲਦਾ।